गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। रुक जाओ ज्ञानारी, प्रणाम महागणाधिपति। प्रणाम महागणपति जी। प्रणाम महागणाधिपति जी। ज्ञानारी, तुम्हारा उद्धार तो उसी दिवस हो गया था जिस दिवस मेरे अंश प्रथम पूज्य गणेश के हाथों तुम्हारा अंत हुआ था, किंतु तुम्हें तुम्हारे बुरे कर्मों के लिए इस यातना भरी यात्रा का भागी तो बनना ही था। किंतु पापी होने पर भी गणेश ने तुम पर कृपा की, तुम्हारे श्राद्ध और पिंडदान में तुम्हारी सहायता की, और अब जब तुम अनेक कष्ट सहकर भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हो, मेरे अंश प्रथम पूज्य गणेश की भक्ति में लीन होने को प्रेरित हो, तो मैं तुम्हें आगामी कष्टों से मुक्त करता हूँ, जिसके फलस्वरूप पापियों को उग्र रूप में दर्शन देने वाले यमराज के सौम्य रूप के दर्शन होंगे तुम्हें। मेरे अर्थात प्रथम पूज्य गणेश की कृपा के कारण मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूँ। ओम गण गणपते नमः। प्रभु महागणाधिपति जी, ज्ञानारी जी को मोक्ष प्रदान करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। वत्स सुबोध, श्री महागणाधिपति जी की कृपा से ही तुम्हारे पिता ज्ञानारी जी को मोक्ष प्राप्त हुआ है। प्रभु गणेश जी, ये आपकी कृपा का ही तो परिणाम है। आप जैसा कृपालु तो और कोई नहीं, जो ना केवल अपने भक्तों अपितु अपने शत्रुओं के मुक्ति के लिए भी इतने अथक प्रयास करे। हे दयानिधान प्रथम पूज्य गणेश जी, मैं आपको शत शत नमन करता हूँ। कल्याण हो वत्स। गुरुदेव, आपने ही मेरे भीतर गणेश जी के प्रति भक्ति की लौ जागृत कर मुझे उचित मार्ग दिखाया। आपकी इस कृपा के लिए मैं आपका किन शब्दों में धन्यवाद करूं? आयुष्मान भवपुत्र, वत्स सुबोध, शिष्य की सफलता ही गुरु का पुरस्कार होता है। तुम एक योग्य शिष्य हो और तुम्हारे भीतर भक्ति का वास तो सदा से ही था। मैंने तो मात्र तुम्हारा मार्गदर्शन किया है। ब्राह्मण देवता, आपने हमारी सहायता की। विधिवत ज्ञानारी जी का पिंडदान और श्राद्ध करवाकर हमें हमारी ध्येय तक पहुंचाया। उसके लिए आपको अनेकों धन्यवाद ब्राह्मण देवता। धन्यवाद तो मुझे करना चाहिए प्रभु, क्योंकि ये तो मेरा सौभाग्य था। अब मुझे भी आज्ञा दीजिए गणेश जी। गुरुदेव प्रणाम। ब्राह्मण देवता, भैया
श्री महागणाधिपति जी की कृपा से ज्ञानारी जी की समस्या का समाधान तो हो गया, किंतु अभी उससे भी बड़ी उलझन को सुलझाना तो शेष है। हाँ गणेश, अब हमें शीघ्र अति शीघ्र काशी लौटकर पिताश्री को माँ के निकट काशी लौटाने का उपाय करना होगा। वहाँ ऋषि जयगश्वे भी पिताश्री के दर्शन के लिए व्याकुल है, अन्यथा वो अपने प्राण त्याग देंगे। ओम नमः शिवाय। भैया, काशी में वो उपाय नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हमें कहाँ जाना होगा गणेश? उसके लिए हमें पिताश्री के पास जाना होगा भैया, मंदार पर्वत पर। कितनी देर तक चलते रहेंगे? आप अपने वाहन मयूर जी को क्यों नहीं बुलाते? वो अपनी उड़ान भर हमें शीघ्र मंदार पर्वत की चोटी पर पहुंचा देंगे भैया। उचित है गणेश। मयूर जी! किंतु मुझे संदेह है कि इस दुर्गम और भव्य पर्वत की ऊंचाई पर पहुंचकर भी क्या पिताश्री के दर्शन करना क्या उतना सुगम होगा? गणेश, ये हिम का बवंडर तो और भी प्रबल होता जा रहा है, और ये तीव्र वायु प्रवाह हमें इस पर्वत की ओर ही ढकेल रहा है। समस्त वातावरण जैसे प्रकृति के विरुद्ध विद्रोह कर रहा है। ये संकट भरा मार्ग हमें शीघ्र पार करना होगा भैया। गणेश, इन काले मेघों में कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। भैया, यहाँ का वातावरण तो पिताश्री के अंतर्मन के समान ही आविष्ट है। उनका हृदय भी वेदना के काले मेघों से ही जूझ रहा है, इसलिए मैं पिताश्री से ही प्रार्थना करता हूँ कि वही हमें उन तक पहुँचने का मार्ग दिखाएं। पिताश्री, हम आप तक पहुँच सके हमें ऐसा सामर्थ्य प्रदान कीजिए। हमारे यहाँ आने का एकमात्र कारण माता का दुख और आपका एकाकीपन है। माता आपसे विलग होकर अत्यंत पीड़ित और संतप्त है। पिताश्री, आपको लौटा कर हम आपका एवं माता का दुख दूर करना चाहते हैं। महादेव, आपका पुत्र गणेश आपको पुकार रहा, आपकी याचना कर रहा है। भैया संभालिए। वो देखो गणेश, हाँ भैया, अर्थात पिताश्री ने हमारी प्रार्थना सुन ली और उन तक पहुंचने का मार्ग भी दिखा दिया। प्रणाम पिताश्री।
प्रणाम मामा श्री, प्रणाम फूफा जी। पुत्रो, तुम्हारी माँ कैसी है? पिताश्री, वो भी आपके समान ही द्रवित है, अशांत है, दुखी है। पिताश्री, जब से आपने काशी से प्रस्थान किया है, माँ ने अपनी पलके तक नहीं झुकाई, तभी से अपार पीड़ा में है वो। आपको काशी लौटने का कोई उपाय ढूंढना ही होगा। पुत्र कार्तिकेय, जब तक राजा देवदास काशी के राजपथ पर स्थित, महादेव का काशी लौटना संभव। मामाश्री, माँ ने मुझे और गणेश को राजा देवदास के विषय में बताया था, किंतु उनके कारण पिताश्री काशी नहीं लौट सकते, ये तो सर्वथा अनुचित, और ये मुझे कदापि स्वीकार नहीं। इसीलिए मैं तो उन राजा देवदास को उचित पाठ सिखाने के लिए, उन्हें दंडित करने के लिए अग्रसर भी हो गया था, किंतु फिर मां और गणेश ने ही मुझे रोक दिया। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम काशी में स्थित होकर संसार के राजकाज का कार्यभार संभालोगे। महादेव, काशी में मात्र एक ही राजा रह सकता है, फिर वो काशी राजा आप हैं अथवा मैं, और यदि राजा बनने का कर्तव्य मुझे पालन करना है तो आपको काशी छोड़कर जाना होगा महादेव, आपको काशी छोड़कर जाना होगा महादेव, तो आपको काशी छोड़कर जाना होगा। मुझे काशी छोड़कर जाना होगा। उचित किया तुम्हारी माँ ने, दंडित करोगे राजा देवदास को तुम, किंतु क्यों, क्या अपराध है उनका? अपने कर्तव्य के प्रति तन मन धन से समर्पित धर्म प्रिय न्याय प्रिय राजा है। आपने उचित कहा पिताश्री, कर्तव्य परायण है वो, धर्म परायण है, उनके राज में काशी में शांति है, धर्म है, न्याय है, समृद्धि है, किंतु काशी अपनी आत्मा से रिक्त है पिताश्री, क्योंकि अब वहाँ शिव नहीं है। पिताश्री, काशी वो पावन धाम है जहाँ आप स्वयं मरणासन्न मनुष्यों के कान में तारक मंत्र का उच्चारण कर उन्हें सद्गति प्रदान करते हैं, इसलिए समूचे ब्रह्मांड में सर्वाधिक विशिष्ट है काशी। उसका एक विशेष प्रयोजन है, किंतु राजा देवदास के कारण अब आप वहां उपस्थित नहीं, और इसलिए अब काशी में मनुष्य सद्गति प्राप्त करने से वंचित है पिताश्री। राजा देवदास अपना राजधर्म निभा रहे हैं और आप उनको दिए वचन का पालन कर धर्म का निर्वाह कर रहे हैं, किंतु आपके वो भक्त जो अपने अंत समय में अनेकों कठिनाइयां सहकर दूरस्थ स्थानों से आते हैं ताकि वो आपके दर्शन कर सद्गति प्राप्त कर सके, अब वो सभी भक्त निराश होने पर विवश हैं, उनको सद्गति प्राप्त नहीं हो पा रही है पिताश्री। वैसे काशी समृद्ध और सुखी प्रतीत होती है, राजा देवदास अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रख रहे हैं, किंतु यदि सूक्ष्मता से देखें तो उन्होंने आपको आपके भक्तों से दूर कर दिया है पिताश्री। ऋषि जगेश्वर जैसे भक्त जो आपके दर्शन से वंचित होकर अपने प्राण त्यागने के लिए प्रस्तुत है। महादेव, अब मेरे प्रश्न का उत्तर आप ही दीजिए पिताश्री, भगवान को भक्त से दूर करना कहाँ का न्याय है?
जो भी हो, राजा देवदास को दिए गए मेरे वचन को कोई भंग नहीं करेगा। काशी में किसी के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दूंगा मैं। पिताश्री, कितनी रुचि से काशी की रचना की थी आपने। उसके प्राण तो आप हैं, आपसे विहीन होकर काशी प्राण विहीन हो चुकी है, और इससे तो संपूर्ण ब्रह्मांड में असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। परिवर्तनशील संसार में यथास्थिति का स्थायित्व वो कहाँ उचित है, जो राजा देवदास ने काशी में उत्पन्न कर सर्वाधिक हानि तो स्वयं की ही की है, क्योंकि मनुष्य योनि में जन्म का तो एकमात्र उद्देश्य है आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति। आत्मा का आपसे परम ब्रह्मेश्वर से एकीकार होना, किंतु राजा देवदास क्या स्वयं अपनी आत्मा के उद्धार को नहीं रोक रहे हैं? बाल्यावस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम और अंततः वानप्रस्थ, ये चार आश्रम है मनुष्य जीवन के, किंतु राजा देवदास वानप्रस्थ में जाने के योग्य होकर भी गृहस्थ आश्रम में ही स्थित है। उससे मुक्त होकर आपके ध्यान में लीन होने का अवकाश कहाँ पाया है उन्होंने? पिताश्री, काशी आपका निवास है। आपने देवदास को अपने निवास में प्रवेश करने की अनुमति दी, किंतु सत्य तो ये भी है कि उनके काशी में प्रवेश से आपको ही अपने निवास से वंचित होना पड़ा। पिताश्री, आप हम में से किसी को राजा देवदास को समझाने की अनुमति दीजिए। वो बुद्धिमान है, विवेकशील है, वो हमारे समझाने पर इस सत्य को अवश्य समझेंगे। हाँ पिताश्री, अब हमें शीघ्र कोई ऐसा उपाय ढूंढना होगा जिससे राजा देवदास का अनादर भी ना हो, आपका उनको दिया हुआ वचन भी भंग ना हो, और वो आपको काशी में प्रवेश करने की अनुमति भी दे दे। हमारे पास अधिक समय नहीं है पिताश्री, क्योंकि यदि हमने विलंब किया तो ऋषि जगेश्वर अपने प्राण त्याग देंगे और हम सभी पर ब्रह्म हत्या का दोष लग जाएगा। उचित है, उचित है। मैं तुम्हें इसका उपाय ढूंढने की अनुमति देता हूं, किंतु राजा देवदास को बलपूर्वक कोई विवश नहीं करेगा, उस पे किसी प्रकार की हिंसा का प्रयोग नहीं करेगा। महादेव, रामदेव, नारायण, गणेश जी चिंता क्यों कर रहे हैं? आप मुझे देवदास को समझाने की अनुमति दें, मैं शीघ्र ही यह कार्य संपन्न कर दूंगा। उचित है इंद्रदेव, किंतु स्मरण रहे, कोई हिंसा, कोई अनुचित नहीं होना चाहिए। हम देवताओं को आपने एक लंबी अवधि से हमारी ही काशी से विलख कर रखा है देवता, किंतु अब समय आ गया है आपको उसका भारी मूल्य चुकाने का। इसका ऐसा उपाय करूंगा मैं कि ना बल का प्रयोग होगा और ना ही हिंसा, और राजा देवदास स्वयं महादेव को काशी लौटने की विनती करेंगे। सर्वेषां स्वस्ति भवतु, सर्वेषां शांतिर् भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। नाथ, आपके मुख पर संतुष्टि का भाव मेरे हृदय को भी प्रसन्नता से भर देता है। देवी सरला, अपने राज्य की समृद्धि से और प्रजा के सुख से ही एक राजा को भी सुख की अनुभूति होती है। आपके राज्य की संपन्नता का श्रेय तो आपका ही है स्वामी। सहस्त्रों वर्षों से इतनी तन्मयता, कुशलता और धन प्रायता से राजकाज के दायित्व का निर्वाह जो कर रहे हैं आप,
मेरा श्रेय तो इतना ही है देवी, कि प्रभु की कृपा से ना कभी धर्म पथ से भटका और ना ही मेरे द्वारा किए जाने वाला यज्ञ कभी रुका। और मुझे विश्वास है नाथ, आप सदा इसी प्रकार धर्म का पालन करते रहेंगे और कभी भी भ्रमित होकर धर्म से विमुख नहीं होंगे। राजा देवोदास, माना कि आप बहुत ही धर्म परायण, न्यायप्रिय, नेक शासक भी हैं, किंतु आप एक मनुष्य भी हैं, और मनुष्य अपने धर्म के प्रति कितनी भी निष्ठा क्यों ना रखता हो, उसकी कोई ना कोई दुर्बलता अवश्य होती है। अब मैं देवराज इंद्र तुम्हारी ऐसी परीक्षा लूंगा कि तुम्हारी सारी दुर्बलताएं मेरे समक्ष प्रकट हो जाएंगी। अपने राज्य की समृद्धि से और प्रजा के सुख से ही एक राजा को भी सुख की अनुभूति होती है। आपके राज्य की संपन्नता का श्रेय तो आपका ही है स्वामी। सहस्त्रों वर्षों से इतनी तन्मयता, कुशलता और धर्म परायणता से राजकाज के दायित्व का निर्वाह जो कर रहे हैं आप। मेरा श्रेय तो इतना ही है देवी, कि प्रभु की कृपा से ना कभी धर्म पथ से भटका और ना ही मेरे द्वारा किए जाने वाला यज्ञ कभी रुका। और मुझे विश्वास है नाथ, आप सदा इसी प्रकार धर्म का पालन करते रहेंगे और कभी भी भ्रमित होकर धर्म से विमुख नहीं होंगे। राजा देवोदास, माना कि आप बहुत ही धर्म परायण हैं, न्यायप्रिय, नेक शासक भी हैं, किंतु आप एक मनुष्य भी हैं, और मनुष्य अपने धर्म के प्रति कितनी भी निष्ठा क्यों न रखता हो, उसकी कोई ना कोई दुर्बलता अवश्य होती है। अब मैं देवराज इंद्र तुम्हारी ऐसी परीक्षा लूंगा कि तुम्हारी सारी दुर्बलताएं मेरे समक्ष प्रकट हो जाएंगी। मेनका, 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 रंभा, 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 रंभा। प्रणाम देवराज। आदेश दीजिए देवराज। मैंने आप दोनों को यहां एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपने के लिए बुलाया है। इंद्रदेव को युक्ति सूझी भी है तो उनके स्वभाव के अनुरूप राजा देवदास की परीक्षा हेतु उन्होंने स्वर्ग की दो सर्वाधिक सुंदरियों को बुलाया है। उन्होंने मुझे आप दोनों के अपूर्व सौंदर्य से, आपके नारी सुलभ आकर्षण से एक पुरुष की परीक्षा लेनी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप दोनों वहां जाएं और अपने सौंदर्य से उस पुरुष को सम्मोहित करें। बस इतना ही कार्य है इंद्रदेव, ये तो हम चुटकियों में कर देंगे। ये कार्य इतना सरल नहीं है। आप दोनों का सौंदर्य अपूर्व अवश्य, किंतु काशी नरेश देवदास कोई साधारण मनुष्य नहीं, वो अपनी भक्ति, धर्म और कर्तव्यों के प्रति सजग है।
इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप दोनों समझ गए देवराज। देवराज हमारे समक्ष तो इनसे भी महान व्यक्तित्व झुक गए, तो राजा देवदास कितने भी असाधारण क्यों ना हो, हम दोनों जाके उनके राज्य भवन में अपने नृत्य से उन्हें लुभा लेंगे। आप तनिक भी चिंता मत कीजिए देवराज। चिंता नहीं, मुझे आप दोनों पर पूर्ण विश्वास है। राजा देवदास इस परीक्षा में अवश्य विफल होंगे। विलंब मत कीजिए, शीघ्र प्रस्थान कीजिए। मेरे अनुसार धर्मप्रिय राजा देवदास को समझाने अथवा उनकी परीक्षा लेने हेतु अप्सराओं को भेजने का कोई औचित्य नहीं। राजा देवदास, आपको ज्ञात नहीं आपको मोहित करने के लिए मैंने किसे भेजा? बस एक बार आप इनके सौंदर्य के आकर्षण से तनिक भी सम्मोहित हुए, उसके बाद आप अपने धर्म से विमुख होकर अपने राज्य पर से अपना नियंत्रण खो बैठेंगे और फिर काशी में केवल अव्यवस्था का ही वातावरण होगा। अपने राज्य में सुव्यवस्था स्थापित करने हेतु आप महादेव को पुनः काशी लौटने के लिए अनुरोध करने पर विवश हो जाएंगे। महाराज की जय हो। महाराज कोई अतिथि आपसे भेंट करने के इच्छुक है। महाराज ये किसके पायल की ध्वनि है? अरे अरे प्रणाम महाराज देवदास, आपने अपने नेत्र झुका क्यों लिए? महाराज सौंदर्य को देखना, उसकी प्रशंसा करने पर तो कोई निषेध नहीं, ये तो सर्वथा उचित है, उत्तम है। इसलिए आपका हमें देखना किसी धर्म के विरुद्ध नहीं, इसे अपने सौंदर्य का अपमान न समझे देवियों। किंतु पर स्त्री पर दृष्टि डालना महाराज देवदास के लिए पाप के समान है। कितनी उमंग से आई थी हम यहाँ महाराज देवदास से विमर्श करने, किंतु यदि वो हमें देखेंगे ही नहीं तो हम उनसे वार्तालाप कैसे करेंगे? बस कुछ ही समय की बात है देवदास, रंभा और मेनका के सौंदर्य के आकर्षण से तुम्हें वशीभूत होना ही है। तुम्हें आभास भी नहीं होगा और तुम सम्मोहित हो जाओगे। वे हमारे मुख को नहीं हमारे चरणों की ओर देख रहे हैं, किंतु कोई बात नहीं, हमारे चरण ही पर्याप्त हैं इन्हें मंत्रमुग्ध करने के लिए। आज तक कोई भी हमारी सुंदरता से बच नहीं पाया है। मुझे ज्ञात था राजा देवदास भी स्वयं को रोक नहीं पाएंगे। माताओं,
मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? यदि आप हमारे सौंदर्य को एक बार अपनी दृष्टि से देखेंगे तो आप हमें माता नहीं सुंदरी कहकर संबोधित करेंगे। पर्याप्त समय बीत चुका है, अब तक तो मेनका और रंभा राजभवन में प्रवेश कर चुकी होंगी और राजा देवदास का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर ही लिया होगा। काशी नगरी में माँ गंगा की महाआरती का समय है। ये वो समय है जब संपूर्ण काशी नगरी भक्ति भाव से ओतप्रोत हो जाती है। क्या इसका सौंदर्य सबसे अनूठा नहीं, सबसे अद्भुत नहीं? सुंदर है ये स्वर, ये भाव अति सुंदर है। यहां खड़े प्रतीक्षा करने से मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं होगा। मुझे राजभवन की ओर चलना चाहिए। वहां क्या घट रहा है तभी मुझे ज्ञात हो पाएगा, यही उचित है। ये मेनका और रंभा तो यहां इन ऋषियों के साथ आरती करने लगी। यही तो काशी की महिमा है, वो सभी के हृदय में भक्ति जागृत कर देती है। आप सर्वथा उचित कह रहे हैं गणेश जी, किंतु अब इंद्रदेव के परीक्षा रूपी योजना का क्या होगा?
रंभा मेरका, मैंने तुम दोनों को यहाँ एक विशेष उद्देश्य से भेजा था। राजा देवदास की परीक्षा लेने के स्थान पर ये तुम दोनों यहाँ कर क्या रही हो? हम वही कर रहे हैं देवराज, जो स्वयं आपको करना चाहिए था। काशी जैसे पावन स्थान पर आकर प्रार्थना में लीन होना चाहिए, ना कि किसी व्यर्थ की परीक्षा में। आपको लज्जा आनी चाहिए देवराज। राजा देवदास जैसे धर्मनिष्ठ और कर्तव्य परायण राजा को हमारे सौंदर्य से सम्मोहित करवाने का प्रयास कर रहे थे आप? वो धर्मनिष्ठ है, अध्यात्म के भाव से परिपूर्ण है, और आज उन्हीं के कारण हमें इस महाआरती में लीन होने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। देवराज इंद्र, आप भी अन्य सभी को छोड़कर काशी के इस दिव्य सौंदर्य और यहाँ की भक्ति में ओतप्रोत वातावरण से अपना आत्मसात कीजिए, और यदि हमारा सुझाव समझने में असमर्थ हैं आप, तो राजा देवदास के समक्ष उपस्थित हो जाइए देवराज, वो आपके विचारों को भी स्वच्छ कर देंगे। मायावी राजा देवदास ने तो संपूर्ण काशी को मंत्रमुग्ध कर रखा है। यहाँ आकर ये अप्सराएं उसे सम्मोहित करने के स्थान पर उसका अनुसरण करने लगी। बस बहुत हुआ आप, मैं अब इस देवदास को उचित पाठ सिखा कर ही रहूंगा। नहीं, ये इंद्रदेव करने क्या जा रहे हैं? अचानक ऐसा क्यों हो रहा है? प्रकृति जैसे रुष्ट हो गई हो, वातावरण में ऐसा अचानक बदलाव क्यों हो रहा है? ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये कोई भावी संकट का संदेश है, कुछ अप्रिय घटित होने वाला है। बस देवदास, बस बात हुआ। मैं तुम्हें काशी पर अपना एकाधिकार स्थापित करने कदापि नहीं दूंगा, कदापि नहीं। काशी महादेव की है और महादेव की ही रहेगी। अब तुम देखना, मैं अपने प्रभाव से ऐसा प्रकोप उत्पन्न करूंगा कि तुम महादेव से पुनः काशी लौटने की भीख मांगोगे। पिताश्री ने तो राजा देवदास को समझाने की अनुमति दी थी, किसी भी प्रकार की हिंसा को बड़े कठोर शब्दों में वर्जित किया था उन्होंने। ऐसा विस्फोट उत्पन्न करूंगा कि तुम्हारा ये राजपाट, तुम्हारा ये स्थान काशी से विलक होकर कहीं दूर चला जाएगा। मुझे वहां जाकर इंद्रदेव को रोकना चाहिए। महादेव, मैंने अपने सभी शब्दों का मान रखा है, सदा धर्म का पालन किया, फिर ऐसा सर्वनाश क्यों हो रहा है?
उस पर कृपा कीजिए महादेव, कृपा कीजिए, मेरी सहायता कीजिए महादेव, सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए महादेव, सहायता कीजिए। पिताश्री ने नियत की थी उसी को भंग करने का दुस्साहस किया आपने। धन्यवाद महादेव, धन्यवाद। इंद्रदेव, इंद्रदेव, मेरे आदेश के उपरांत भी आपने हिंसा का प्रयोग किया। मैंने सतर्क किया था ना आपको, चेतावनी भी दी थी, सर्वथा अनुचित कृत्य किया है आपने। अभी यहाँ लौटिए, इसी क्षण। ये क्या अनर्थ कर दिया आपने देवराज? पिताश्री ने आपके लिए जो उपबंध तय किया था आपने उसी को भंग कर दिया। अज्ञात नहीं पिताश्री के कोप से कौन रक्षित कर पाएगा आपको। इंद्रदेव, 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 अभी यहाँ लौटिए, इसी क्षण। महादेव, वो मैं इतना दुस्साहस कैसे किया आपने? स्पष्ट कहा था मैंने, हिंसा का प्रयोग करा भी नहीं करेंगे आप। तब आपने किस अधिकार से राजा देवदास पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया? महादेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, वो मैं बस अब आपके मुख से और कुछ नहीं सुनना चाहता हूं मैं। जब मैंने राजा देवदास को वचन देकर अपनी इच्छा से काशी का परित्याग किया था, तब आप किस अधिकार से उन पर वार करने के लिए प्रस्तुत हो गए? आपको अपने इस दोष का भीषण दंड भुगतना ही होगा। पिताश्री का तीसरा नेत्र खुल रहा है। यदि उन्होंने अपने क्रोधाग्नि को इंद्रदेव पर केंद्रित कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा। पूर्व में एक बार महादेव की क्रोधाग्नि का सामना कर भस्म होते होते बचा हूं, किंतु इस बार प्रतीत होता है मैं नहीं बच पाऊंगा। पिताश्री कृपया करके शांत हो जाइए। शांत नहीं हो रहे हैं पिताश्री, उनका क्रोध तो और भी बढ़ता जा रहा है। मामा जी, फूफा जी, आप ही पिताश्री की क्रोधाग्नि को शांत करने में सहायता करें। Thank you.
नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। इंद्रदेव, मैंने अपनी क्रोधाग्नि को रोका अवश्य है, किंतु मेरा क्रोध शांत नहीं हुआ। आपने जो किया वह अक्षम्य था, सर्वथा अनुचित था। महादेव, मैं आपसे क्षमा की भीख मांगता हूं। भूलवश मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैं स्वयं पर से कैसे नियंत्रण खो बैठा, ये स्वयं मुझे ही ज्ञात नहीं। मुझे ज्ञात है, पिताश्री, इंद्रदेव ने जो भी किया वो क्षम्य तो नहीं, किंतु वो स्वयं पर नियंत्रण क्यों खो बैठे, उसका कारण ज्ञात है मुझे। ऐसा क्या कारण हो सकता है गणेश, कि इंद्रदेव परिणाम का विचार किए बिना मेरे आदेश का उल्लंघन करने के लिए प्रेरित हो गए। उनकी असुरक्षा का भाव पिताश्री। असुरक्षा? अब किस असुरक्षा की आशंका है इन्हें? पिताश्री, आपके काशी में उपस्थित ना होने के कारण किसी भी काशीवासी को मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो रही है, किंतु राजा देवोदास के राज्य में सभी काशीवासी धर्मपरायणता के साथ सर्वथा शुद्ध जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस कारण उन सभी के पुण्यों में वृद्धि हो रही है और उनके पुण्य एकत्रित हो रहे हैं पिताश्री। और ये भी तो सर्वज्ञात है कि पुण्य करने वाले तो स्वर्ग के अधिकारी होते हैं, और जो अधिक और महान पुण्य करते हैं उनका अधिकार तो भावी इंद्र बनने का होता है। सभी काशीवासी मुक्ति की प्रतीक्षा में है पिताश्री। उनके इतने पुण्य संग्रहित हो चुके हैं कि वो स्वयं स्वर्ग पहुंचकर बिना किसी अवरोध के इंद्र होने का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। अभी तो हमारे मध्य एक ही इंद्रदेव है, किंतु अति शीघ्र अनेकों इंद्रदेव प्रस्तुत हो जाएंगे, एक ही सिंहासन के अनेकों प्रत्याशी। और तब मौलिक इंद्रदेव का कोई मूल्य नहीं रहेगा। अपने पद की गरिमा खोने का भय ही देवराज इंद्र के क्रोध का कारण बना, जो राजा देवोदास पर फूटने ही जा रहा था, क्योंकि उन्हीं के कारण अब इंद्रदेव का पद संकट में है। प्रथम पूज्य गणेश जी सर्वथा उचित कह रहे हैं महादेव। मेरी शंका ही मेरे क्रोध में परिवर्तित हो गई। इंद्रदेव, ये कैसा कृत्य व्यवहार है आपका? आप इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं? क्या आपके पद और सिंहासन के अतिरिक्त और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं रहा आपके लिए? ऋषि जगेश्वर की स्थिति प्रति क्षण गंभीर होती जा रही है इंद्रदेव। यदि उन्हें शीघ्र महादेव के दर्शन प्राप्त नहीं हुए तो अपने प्राण त्याग देंगे और हम सभी ब्राह्मण हत्या के महापाप के भागीदार होंगे। हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए ताकि हम किसी प्रकार महादेव को पुनः काशी ले जाएं। और आपको केवल अपने पद की चिंता है। जो हुआ सो हुआ, अब उस पर विचार करने का क्या लाभ? चुका हूं। हाँ हाँ, मैंने देखा, दो स्वर्ण मुद्राएं नियत किए ना तुमने, मैं तुम्हें 5 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा और मूल्य भी अभी चुकाऊंगा। सूर्यदेव, आप वहाँ रुद्राक्ष का व्यापार क्यों कर रहे हैं? रुद्राक्ष स्वर्ण से बड़ा कब और कैसे हो गया? ये सूर्यदेव क्या कर रहे हैं? पुत्र गणेश, उस व्यापारी ने मौखिक रूप से समझौता कर उन मनकाओ का विक्रय उस व्यक्ति को कर दिया है। अब सूर्यदेव अधिक धन देकर
वही मन का उससे वापस प्राप्त करना चाहते हैं। अर्थात सूर्यदेव और स्वर्ण मुद्राएं प्रस्तुत कर उस व्यापारी को प्रलोभन दे रहे हैं। अर्थात सूर्यदेव ये प्रमाणित करने का प्रयास कर रहे हैं कि काशी नगरी में जो वास्तव में दिख रहा है वो सत्य नहीं, काशी जनों के मन में भी लोभ लालच और पाप है। मुझे क्षमा करें, मैं इनका विक्रय आपको नहीं कर सकता। यदि मैं आपसे मनकाओं के मूल्य से अधिक स्वर्ण मुद्रा लेता हूं तो आपको छलूंगा, और यदि उस ग्राहक को दिए हुए शब्दों का मैंने मान नहीं रखा तो उसके साथ भी छल करूंगा। यहां महाराज देवोदास के राज्य में कोई छलावा नहीं करते। आश्चर्य, घोर आश्चर्य, इतनी सत्यता। मेरे राज्य में कोई भी वैश्य, कोई भी व्यापारी ऐसा नहीं है जो अपने आर्थिक लाभ के लिए ग्राहकों को छलता हो। सूर्यदेव अधिक धन का प्रलोभन देकर भी उस व्यापारी के मन में लालच उत्पन्न नहीं कर सके। ब्राह्मण देव, आप तो कोई यात्री प्रतीत होते हैं, कहिए मैं आपकी कैसी सहायता कर सकता हूँ? हाँ ब्राह्मण देवता, मैं एक यात्री हूँ। काशी के मार्ग में मेरा सभी धन लुट गया। कई दिवस से मैंने कोई भोजन भी नहीं किया और कुछ मोल लेने के लिए मेरे पास धन भी शेष नहीं। क्या आप मुझे अपना भोजन देकर मेरी सहायता करेंगे? किंतु मेरे पास तो मात्र इतना ही भोजन है। अंततः मुझे ऐसा प्राणी मिल ही गया जो आवश्यकता पड़ने पर समय पर उसकी सहायता नहीं करता, और जिस राज्य में किसी की सहायता समय पर ना हो वो अधर्म पथ पर ही है। महादेव आप चिंतित ना हो, आपको पुनः काशी लौटाने का मार्ग मिल गया मुझे। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अपने वचन और कर्म का पालन करने में कोई भूल या लालच नहीं करते, वो ही सच्चे धार्मिक कहलाते हैं। माता आदिशक्ति दीर्घ काल से काशी में अकेली वास कर रही हैं और महादेव मंदार पर्वत पर, और उनके इस दुखद वियोग का कारण है राजा देवोदास। हम देवोदास को दंड देंगे। महादेव अब जो मैं करने जा रहा हूँ उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। काशी में सूर्यदेव के 12 कुंडों के स्थित होने के पीछे क्या है कथा, जानिए विघ्नहर्ता गणेश में। माता आदिशक्ति दीर्घ काल से काशी में अकेली वास कर रही हैं और महादेव मंदार पर्वत पर, और उनके इस दुखद वियोग का कारण है राजा देवोदास। हम देवोदास को दंड देंगे। महादेव अब जो मैं करने जा रहा हूँ उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। काशी में सूर्यदेव के 12 कुंडों के स्थित होने के पीछे क्या है कथा, जानिए विघ्नहर्ता गणेश में। इंद्रदेव, इंद्रदेव, इंद्रदेव अभी यहां लौटिए इसी क्षण।
महादेव वो मैं इतना दुस्साहस कैसे किया आपने? स्पष्ट कहा था मैंने, हिंसा का प्रयोग करा भी नहीं करेंगे आप। तब आपने किस अधिकार से राजा देवदास पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया? महादेव मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, वो मैं बस अब आपके मुख से और कुछ नहीं सुनना चाहता हूं मैं। जब मैंने राजा देवदास को वचन देकर अपनी इच्छा से काशी का परित्याग किया था, तब आप किस अधिकार से उन पर वार करने के लिए प्रस्तुत हो गए? आपको अपने इस दोष का भीषण दंड भुगतना ही होगा। पिताश्री का तीसरा नेत्र खुल रहा है। यदि उन्होंने अपने क्रोधाग्नि को इंद्रदेव पर केंद्रित कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा। पूर्व में एक बार महादेव की क्रोधाग्नि का सामना कर भस्म होते होते बचा हूं, किंतु इस बार प्रतीत होता है मैं नहीं बच पाऊंगा। पिताश्री कृपया करके शांत हो जाइए। शांत नहीं हो रहे हैं पिताश्री, उनका क्रोध तो और भी बढ़ता जा रहा है। मामा जी, फूफा जी, आप ही पिताश्री की क्रोधाग्नि को शांत करने में सहायता करें।